हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म है 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब तक कुछ वेबसाइट में प्रॉब्लम चल रही थी तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जो हमारा फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि नया आवेदन कैसे कर सकते हैं। नया आवेदन करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आपका पहले का आवेदन था, किसी वजह से आपका कैंसिल हो गया है, तो आप यहाँ पर नया आवेदन नहीं कर पाएंगे। आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पर आप, अगर आपका अभी तक कोई भी आवेदन नहीं हुआ, तभी आप यहां पर एक फ्रेश आवेदन कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स की बताऊं। तो डॉक्यूमेंट्स यहां पर आपको किसान का आधार कार्ड चाहिए, उसकी भूले से रिलेटेड यानी जिसे हम खतौनी बोलते हैं वो चाहिए। साथ ही यहां पर आप जो किसान है उसका राशन कार्ड संख्या मैंडेटरी रहता है। तो राशन कार्ड संख्या अगर आपके पास नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यार, तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड, भूले की एक कॉपी और साथ ही यहाँ पर राशन कार्ड नंबर। बाकी यहाँ पर आपकी कोई चीज़ मैंडेटरी नहीं है, बैंक अकाउंट नंबर नहीं लगेगा। आपका जो पैसा है आपके डीबीटी वाले अकाउंट में आएगा। डीबीटी को डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं, डीबीटी को डिटेल में समझ पाएंगे इस वीडियो को देख के। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एंड पीएम किसान सम्मान निधि ऑनलाइन की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आप ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बात और क्लियर कर दूं मैं, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तभी आप खुद से आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके आधार में नंबर लिंक नहीं है तो आप पहले आधार में नंबर लगाने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कीजिए। अगर फिर भी अगर आपका नंबर नहीं लग पा रहा है या फिर आप नहीं लगवाना चाहते हैं तो आप किसी नियरेस्ट सीएससी सेंटर पर जा सकते हैं, जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पर आपका जो फिंगर ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो आपका आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल खुद से आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, रूरल फार्मर, अर्बन। तो आप अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ सेकंड को सिलेक्ट करेंगे, रूरल से हैं तो फर्स्ट को ही सिलेक्ट कर रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, तो किसान का यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार में रजिस्टर वाला मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ कैप्चा को फिल कर देंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हो उस पर एक 4 डिजिट का ओटीपी आपको प्राप्त हो जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर दर्ज करके यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दूसरा ओटीपी आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जो कि 6 डिजिट का होगा। पहला ओटीपी पीएम किसान की तरफ से भेजा जाता है जो 4 डिजिट का होता है, दूसरा आधार की तरफ से भेजा जाता है जो 6 डिजिट का होता है। तो ओटीपी दर्ज करने के बाद यहाँ वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो किसान की बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके आधार से ऑथेंटिकेट कर ली जाएगी। यहाँ पर आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ बेसिक डिटेल्स को यहाँ पर आपको फिल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने राज्य तो पहले ही सिलेक्ट कर लिया है, जिस भी गांव में आपकी ज़मीन होती है उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट यानी आपकी तहसील है उस तहसील को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो आपका गाँव लगता है उस गाँव को सिलेक्ट कर लेंगे। अब गांव को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो अगर आप जनरल या फिर अदर यानी ओबीसी में आते हैं तो यहां पर जनरल या अदर्स को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप एसटी या फिर एससी में आते हैं तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर फार्मर टाइप में आपको अगर स्मॉल फार्मर हैं, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच आपकी ज़मीन है तो स्मॉल को सिलेक्ट करेंगे, ज़्यादा होती है तो अदर्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी पूछी जाएगी, तो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी में आपको यहाँ पर जो भूले गए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ पर आपको अपनी खतौनी को ओपन कर लेना है। खतौनी आपके पास होगी तो यहाँ पर आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पर इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो खतौनी में हमारा जो खाता संख्या होता है, जो आपका 5 डिजिट का खाता संख्या होगा, वो खाता संख्या हमारी लैंड आईडी होती है, तो इसमें आपको अपना खाता नंबर दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, राशन कार्ड नंबर मैंडेटरी है, तो राशन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन योजना के बारे में पूछा जाएगा, अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो इसे आप अपने हिसाब से यस या फिर नो कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में थोड़ा ग्लिच आ गया था तो यहाँ पर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। अब हमें यहाँ पर जो अपनी ज़मीन है उसका ब्यौरा देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ज्वाइंट या फिर सिंगल, तो इसमें अगर आपके 1 से ज़्यादा खातेदार होते हैं तो ज्वाइंट को सिलेक्ट रहने देंगे। अगर आपका सिंगल है, आप केवल एक ही हैं, अपनी जो ज़मीन आपकी है आपके घाटा संख्या में,
तो यहाँ पर आप सिंगल ही सिलेक्ट रहने देंगे। हमारी ज्वाइंट है तो ज्वाइंट को हमने सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर सर्वे नंबर, खाता नंबर जो हमने ऊपर अभी लैंड आईडी में फिल किया वही हमारा रहेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर खसरा संख्या और जो हमारा घाटा संख्या होता है, बेमारा खसरा संख्या होता है जो कि आपको आपके भूलेख में देखने के लिए मिल जाएगा, तो वो यहाँ पर दर्ज कर देंगे। एरिया यहाँ पर आपकी हेक्टर में मांगी जाएगी, तो यहाँ पर आपके जो आपकी खतौनी होती है उसका लास्ट में जो भी होती है आपकी टोटल हेक्टर, वो यहाँ पर आपको हेक्टर में ही फिल कर देनी है। उसके बाद ट्रांसफ़र का स्टेटस में आपको कुछ दर्ज नहीं करना है। यहाँ पर आ जाता है लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको डिटेल जो है आपने ज़मीन खरीदी है तो वहाँ पर आपको परचेस ऑफ लैंड देना होगा। अगर आपको अपने माता पिता से विरासत में मिली है तो यहाँ विरासत को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लैंड डेट वेस्टिंग मांगा जाता है, तो अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी है तो उसके खरीद परचेज की डेट यहाँ पर आपको दर्ज कर देनी है। अगर आपने विरासत करवाई है तो यहाँ पर आपको जिस समय आपने विरासत करवाई वो आपकी खतौनी में ही देखने के लिए मिल जाएगी, अगर आपका नाम आदेश में आ रहा है तो। अगर आपको नहीं पता आपने कब विरासत करवाई है, ज़्यादा टाइम हो गया, तो एक एस्टिमेटेड डेट आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पट्टा नंबर में कुछ नहीं करना है आपको, और आधार नंबर में भी कुछ नहीं करना है, और अपनी ज़मीन को ऐड कर लेना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा एरर आ गया था तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। उसके बाद अगर आपकी एक से ज़्यादा खाते में ज़मीन है तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऐड पर क्लिक करके सेम तरीके से आप दूसरी ज़मीन का भी ब्यौरा ऐड कर पाएंगे। अब हमें यहाँ पर अपने दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, एक लैंड जिसमें हम अपनी भूलेख यानी जो हमारी खतौनी है वो अपलोड करेंगे, जिसे हम मैक्सिमम 100 KB तक अपलोड कर पाएंगे PDF फॉर्मेट में। दूसरा हमें अपना आधार अपलोड करना होगा, जिसे हम मैक्सिमम 50 KB तक अपलोड कर पाएंगे PDF फाइल में। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन कर लेना है, स्कैन करने के बाद दोनों की PDF बना लेनी है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको दोनों फाइलें सेलेक्ट कर लेनी है। फाइल्स को सिलेक्ट करने के बाद नीचे हमें सेव पर क्लिक कर देना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है। सारी डिटेल्स ठीक होती तभी आप यहाँ पर सेव करें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रिंट प्रीव्यू या फिर आपको बाद में करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। तो सब डिटेल्स ठीक है तो यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। तो सेव पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली योर फार्मर आईडी। तो यहाँ पर जो हमारी फार्मर आईडी है वो हमारा आधार नंबर ही होता है। तो यहाँ पर आपका काम यहीं पर ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पर अब आपने आवेदन कर दिया तो इसकी फ़ीस का पेमेंट भी आपको करना होगा। तो अगर आप खुद से आवेदन कर रहे हैं तो आप खुद फ़ीस का पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको नीरेस्ट CSE सेंटर पर जाना ही पड़ेगा। तो आवेदन आप घर पर बैठे कर सकते हैं, लेकिन आपको फ़ीस पेमेंट के लिए CSE सेंटर जाना पड़ेगा। वहाँ 5 रुपये की फ़ीस का पेमेंट होता है, तो यहाँ पर CSE सेंटर पर आपसे 15 से 20 रुपये लिए जा सकते हैं इस पेमेंट के। तो पेमेंट कैसे करते हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ CSE लॉगिन करके। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले तो हमें इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। तो अगर आपके खुद के पास CSE है तो यहाँ पर आप CSE आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज किसी CSE सेंटर पर जा सकते हैं। तो CSE लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है मेक पेमेंट, तो हमें यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद जो किसान है उसका आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है और कैप्चा को फिल करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो अभी हमने डिटेल्स फिल की थी वो सारी डिटेल्स आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डेट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो पेमेंट है 5 रुपये 34 पैसे का, वो यहाँ पर करना होगा, जो कि सेल अमाउंट इसकी 15 है। CSE से 5 रुपये 34 पैसे का पेमेंट कटेगा। उसके बाद वॉलेट आईडी का पिन दर्ज करना है। उसके बाद पे पर क्लिक कर देंगे। पे पर क्लिक करने के बाद जो है हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। हमें यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाएगी, इसके चाहे आप एक प्रिंट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। किसी कस्टमर का करना है तो उसका प्रिंट दे दीजिए। उसके बाद अब हम इसका स्टेटस चेक करेंगे, हमने जो अपना एप्लीकेशन किया है उसका स्टेटस अभी चेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से अपना स्टेटस चेक नहीं करना है, यहाँ पर उन्हीं का स्टेटस चेक होता है जिनकी ऑलरेडी पीएम किसान सम्मान निधि योजना आ रही है। तो यहाँ से आपका स्टेटस चेक नहीं होगा, तो हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स CSE फार्मर्स, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें हमें अपना आधार नंबर कैप्चा को फिल करके सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी जो डिटेल्स है वो कुछ इस तरीके की शो होगी, जिसमें नीचे ग्रे कलर से आपको स्टेटस देखने के लिए मिलेगा पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल। तो अभी हमारा फॉर्म पेंडिंग है,
तो अब आपको करना क्या है, इसका आवेदन करने के बाद यहाँ तो एक तो आपको ये स्टेटस का प्रिंट आउट निकाल लेना है, जो हमारा फॉर्म सक्सेसफुल हुआ उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, साथ ही हमने जो पेमेंट किया है उसका भी प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो तीन प्रिंट आउट को लेकर यहाँ पर जो आपके एरिया के लेखपाल लगते हैं उन लेखपाल से आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। लेखपाल से कॉन्टैक्ट करने के बाद जब वहाँ से ये अप्रूवल दे देंगे उसके बाद यहाँ पर आपका DBT वगैरह चेक किया जाएगा। यहाँ पर PM किसान सम्मान निधि योजना में आपका DBT मैंडेटरी है, तो DBT कैसे होती है और आपका पेमेंट कौन सी बैंक में आएगा इसको डिटेल्स में समझने के लिए ये वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर नहीं लिया जाता है, आपका जो पेमेंट है DBT के थ्रू आएगा। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन PM किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कुछ भी अगर आपका कमेंट रह गया है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और एक बात और लास्ट में मैं क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सम्मान निधि की वेबसाइट है, ये ऐसा नहीं है हर समय चलती रहती है, कभी कभी ये साइट बंद हो जाती है, कभी आपका OTP नहीं आएगा, कभी आप पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे तो यहाँ पर लास्ट में आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। कई बार ऐसा हो जाता है, हम सबमिट करते रहते हैं सबमिट नहीं होता, लेकिन हमारा फॉर्म सबमिट हो गया होता है जिसका स्टेटस 1 से 2 दिन बाद रिफ्लेक्ट होता है, जिसे हम चेक करते हैं बाद में, तो हमारा इसमें वेबसाइट में स्टेटस उसका शो होने लगता है। तो ये आपको ट्राई करना पड़ेगा, अगर आपका हो जाता है तो अच्छी बात है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती तो नीचे कमेंट कर सकते हैं।